भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में बुधवार को एनेक्सी भवन के सभागार में संसद द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने किया। संगोष्ठी में गोरखपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से छोटे मझोले किसान उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में किसान भाइयों ने खुलकर समर्थन किया। बिल किसानों के हित में लिया गया फैसला है, जिसके लिए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सांसद ने किसान बिल के समर्थन को लेकर जिले से आए हुए सभी किसान भाइयों से संवाद स्थापित करते हुए विस्तृत चर्चा भी किए। किसानों ने चर्चा के दौरान यह भी तय किया कि इस बिल के समर्थन में गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, आदरणीय श्री बेचंद साथी, आदरणीय श्री शंभूलाल साहनी जी, आदरणीय श्री पाठारी जी, जो मंच का शुभ बढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा संचालन किया जा रहा है। आदरणीय टिगांव प्रधान जी, आदरणीय कंपुरी से चक्कर का भाई मोहन निशान जी, आदरणीय गेना निशान जी, आदरणीय जनार्दन निशान जी, आदरणीय रामदर्शन निशान जी, आदरणीय भाई रमेश निशान जी, यहाँ पर आदरणीय रामकृपाल जी, आदरणीय भरतपुर के प्रधान जी, आदरणीय चंद्रभान निषाद जी, आदरणीय रामचंद निषाद जी, आदरणीय गणेश निषाद जी, आदरणीय ओमकार निषाद जी, दीपक निषाद जी, अजय स्वामी जी, आदरणीय रामचंद जी, परमेश्वर निषाद जी, महेंद्र निषाद जी, रामचंद्र निषाद जी, आदरणीय दिलीप निषाद जी, आदरणीय ओम प्रकाश निषाद जी, आदरणीय ओम प्रकाश साहनी जो कप्तान बन से चक्कर के आए हैं, आदरणीय राम जी, आदरणीय संतोष निषाद जी, आदरणीय अजिंदेश्वर साहनी पांडे जी, आदरणीय विश्वकर्मा साहनी जी, आदरणीय भूपेंद्र कुमार निषाद जी, निठाली मां साहब, आदरणीय सोनू जी, रोहित जी, उन लाइन गाड़ियों की ताकत लगी हुई थी, उस सम्मान को बचाने के लिए आज मैंने अपने भाइयों को बुलाया, अपने पिता त्रिलोक को बुलाया कि यह सम्मान बचना चाहिए। लेकिन इस बात को जानने की जरूरत भी है कि आपका सम्मान कर कौन रहा है। यह सम्मान लोग कर रहा है, जहां सैकड़ों की लाइन में लगे हुए लोग, उस लाइन से एक व्यक्ति आपके परिवार के एक बेटे को, एक गरीब के बेटे को, उस सैकड़ों लाइन में से एक को निकाल करके इस स्थान पर रखने का काम किया कौन, ये आपको विचार करना पड़ेगा। आपके बेटे को इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय, इस प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह है, और इस देश के गृह मंत्री जी, इस देश के रक्षा मंत्री जी, इस देश के तमाम वरिष्ठ लोग, जिन लोगों ने आपके बेटे को पहचाना, आपके आप लोगों के सम्मान को समझा, उन्होंने आपको सम्मान देने का काम किया। इसको मेरा सर दर्द कर रहा हो, तो मैं जब सर दर्द की दवा
चयन करना पड़ेगा। हवा में बातें हम और आप करेंगे उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, उसका फलत आप निकलेगा, या तो हमको आपको किसी और रूप में देखा जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि इसमें लगभग हम समझते हैं सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और लोग कुछ न कुछ सभी लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान है, किसी न किसी पद को सारे लोग शोभित किए हैं, हम ऐसा प्रतीत करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं साथियों। तो मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है, मैं चाहता हूं कोई भी कार्य सूझबूझ से होना चाहिए, सूझबूझ से कोई भी बात बन सकती है। एक शब्द होते हैं कई प्रकार से उसको कहे जाते हैं, एक शब्द होते हैं उसको अच्छे रूप में भी कहे जाते हैं, उसी शब्द को टेढ़े रूप में भी लोग कहते हैं, उसी रूप में उजट रूप में भी कहते हैं। तो हमें चुनना होगा कि मेरा शब्द कौन सा होगा, ये हमको आपको तय करना पड़ेगा। आज बनकामिया से सुभाष जी भी आए हैं, अपने बनकामिया को इन्होंने संवारने का काम किया, बहुत सी सरकारें आई तो चली गई, लेकिन किसी सरकार ने बनकामिया के ऊपर ध्यान देने का काम नहीं किया। अगर बनकामिया में 80-90% अगर कोई बात करता है तो आप आई का भाई, आप आई का घर का बेटा को जाए, इस बात को भी देखिए। अगर उसको राजस्व बाप घोषित करने का कोई काम किया है तो परम पूज्य आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है और किसी ने नहीं किया, बहुत सारे मंत्री आए। जिनकी निगाह अगर बनकामिया में जा सकती है, जिनके द्वारा जिस समूह के बीच से वो पांच पांच बार गोरखपुर से सांसद बन सकते हैं, या उनकी पीड़ा नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है यहाँ कौन रहता है कौन नहीं रहता है, सारी चीज बता साथियों। जब उसका अवसर आएगा, जब वो समय आएगा, कोई कोई मान्यता होती है कानून को पास कराने के लिए, कानून बनाने के लिए जब समय आता है तो कानून बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज किसान बिल के बारे में बहुत सारे लोग बोलते होंगे, वो गरीब किसान मझोला किसान जिनके घर पर सब्जियां उत्पन्न की जाती हैं, यहाँ पर श्री राम दुलारे जी साहब बताने आए हैं भरतपुर से, रकबा में पूछिए कितनी सब्जियां होती हैं, वो सब्जियां कहाँ जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, मार्केट में जब जाती हैं तो बिचौलिए लोग उसको वो किस तरह से किसान पैदा किया है उसका कीमत नहीं समझते हैं और लोग अपने गाँव में उसको बेच देते हैं। लेकिन आज इस देश बताइए कानून बनाए तो गलत की है सही की है, अगर सही की है इसका विरोध करने वाला कौन है, वही बिचौलिए लोग हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों का भला हो। अगर किसानों के हाथ आज बताइए बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, किसानों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा, 60-70 साल से कांग्रेस ने राज किया इस देश में, लेकिन कभी किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपको बताइए बैठक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किसान बिल पर जो बिल पास हुआ है वो किसानों के हित में है,
और किसानों के लिए एक स्वर्णिम बिल लेके आया है, जो एक मझोला छोटा से छोटा किसान को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उसका उचित मूल्य अब कोई नहीं देने से वंचित कर पाएगा। वो अपना माल स्वतंत्र रूप से जिस मंडी में चाहे, जहां पर चाहे, पूरे देश में ले जा करके अपने मर्जी से बेच सकता है। उसको इतनी आज़ादी मिली है। आज 70 साल के बाद किसान आज़ाद हुआ है और अपने मेहनत की कमाई का पूरा पूरा फायदा पाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार के माध्यम से आज उसको ये फायदा हो रहा है। आज विरोधियों की हालत खराब है, वो बिल के बारे में किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस देश का किसान बहुत ही मजबूत और बहुत ही समझदार है। वो अपने बिल को समझ रहा है कि ये मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में बिल लाया है। इसलिए मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो किसानों के हित में है। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों के बिल संबंधित, उनके जो माननीय इस देश की मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए जितनी सुविधाएं दी है, वो सारी सुविधाएं किसानों को अवगत कराना था।